हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन रेनू ठाकुर। आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं नवरात्रि के लिए एक बहुत ही खास रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे कुटू के आटे से। इसके लिए हमने यहाँ पर एक बाउल से नापकर कुटू का आटा ले लिया है। इसी बाउल से नापकर हमें आगे पानी का यूज़ करना है। यहाँ पर हमने एक बाउल नापकर कुटू का आटा लिया है, तो उसी बाउल से नापकर हमने उसी के बराबर यहाँ पर पानी इसमें ऐड कर दिया है। पूरा पानी हमें यहाँ पर एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी करके हमें इसमें डालना है। और इसका एक घोल हमें यहाँ पर तैयार करना है। जैसे कि हम कढ़ी के लिए पकौड़ी बनाते हैं, तो उसी तरीके से हमें एक घोल यहाँ पर तैयार करना है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ना ज़्यादा लाइट होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा थिक होनी चाहिए। मीडियम कंसिस्टेंसी के साथ हमें यहाँ पर इसका ये घोल तैयार करना है। ये देखिए, यहाँ पर आपने देखा एक बाउल आटा था, एक ही बाउल मैंने इसमें पानी डाला है। अभी इसमें और पानी हमें डालना है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पर पानी डालेंगे। पूरा पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे। इसी बाउल में मैं और पानी यहाँ पर ले लेती हूँ और इसी से थोड़ा थोड़ा करके अब हम इसमें पानी डालेंगे। ध्यान रखिएगा, पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालना है, पूरा पानी एक साथ आपको यहाँ पर नहीं डालना है। इसको अच्छे तरीके से हमें घोलना है। यहाँ पर लगभग 3 से 4 मिनट के लिए हमें इसको इस तरीके से यहाँ पर घोलना है, ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो यहाँ पर मेंटेन हो जाए। लगातार इसको इसी तरीके से चलाते रहेंगे, तो उसके बाद हमारा जो घोल है यहाँ पर बनकर एकदम तैयार होगा और जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए वही हमें यहाँ पर मिलेगी। लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए यहाँ पर इस पेस्ट की, वो एकदम तैयार है। ये बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है। यहाँ पर आप इस तरीके से इसको चम्मच से गिरा कर देखेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा लाइट थिक पेस्ट है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर ये घोल तैयार करना है। इसी के साथ हम इसमें यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है सेंधा नमक, साथ ही मैंने लिया है यहाँ पर काली मिर्ची का पाउडर। सिर्फ दो ही मसाले हमें इसमें डालने हैं और कोई मसाला हमें इसमें नहीं डालना है। अगर व्रत में आप और कोई भी मसाला खाते हैं तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मसाले डालने के बाद हम इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से मिला देते हैं, ताकि जो मसाले हैं वो यहाँ पर घोल में अच्छे तरीके से मिल जाए। घोल हमारा यहाँ पर बनकर एकदम तैयार है। इसके बाद हमें चाहिए एक कढ़ाई या फिर पैन, जो भी आप लेना चाहें यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, या तो आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमें जो दही बड़े हम बनाने वाले हैं उनको डीप फ्राई करना है, तो इसके लिए ऑयल हम यहाँ पर कढ़ाई में निकाल लेते हैं और इसको हमें गर्म करना है। तेल को हमें यहाँ पर तेज़ गर्म करना है। जब तेल तेज़ गर्म होगा उसके बाद ही हम यहाँ पर जो दही बड़े बनाने वाले हैं उनको तलना शुरू करेंगे, क्योंकि जब इसमें दही बड़े जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो तेल का टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। तो इसलिए हमें तेल को हाई फ्लेम पर गर्म करना है। इसके बाद हमने जो यहाँ पर घोल तैयार किया है, तेल यहाँ पर तेज़ गर्म हो चुका है। अब हम धीरे धीरे यहाँ पर इस तरीके से इसमें जो हमें दही बड़े बनाने हैं उनको इस तरीके से हम यहाँ पर तलना शुरू करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर स्पून से भी इस तरीके से डाल सकते हैं। सभी दही बड़ों को इसी तरीके से हमें यहाँ पर तलना है। थोड़ा थोड़ा पेस्ट हमें यहाँ पर डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इनका जो साइज़ है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, छोटे या बड़े, जैसे भी दही भल्ले आप यहाँ पर बनाना चाहें अपनी इच्छा के अनुसार। यहाँ पर हमें इन्हें लाइट ब्राउन होने तक तलना है। जैसे ही लाइट ब्राउन हो जाएगा एक साइड से, उसके बाद हम इसे पलट देंगे। इसी तरीके से सभी जो दही भल्ले हम यहाँ पर बनाने वाले हैं उनको इसी तरीके से हम यहाँ पर पलट देंगे। एक एक करके इनको पलटना है, ताकि दोनों तरफ से ही बराबर यहाँ पर सिक जाए। दही बड़े यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सिक चुके हैं दोनों ही तरफ से। अब हम इसको यहाँ पर निकाल लेते हैं अलग। इसी तरीके से बाकी के जो सभी दही बड़े हैं वो हमें तल लेने हैं। इसके बाद हमें चाहिए एक बर्तन में हल्का गर्म पानी, पानी बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए। यहाँ पर जो हमने दही बड़े बनाकर तैयार किए हैं उन सभी को हम यहाँ पर हल्के गुनगुने पानी में इस तरीके से यहाँ पर डाल देंगे और इनको लगभग हम यहाँ पर 1.5 से 2 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद हमें इसे यहाँ से निकाल लेना है। फिलहाल हमने यहाँ पर सभी दही बड़ों को हल्के गुनगुने पानी में डाल दिया है और इसे लगभग 2 मिनट तक हम इसी तरीके से इसमें भिगा कर रखेंगे। लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर इन दही बड़ों को पानी से निकाल कर दही में डालना है। ये घर का बना हुआ दही है। दही बड़े में जैसा दही इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ा गाढ़ा, उसी तरीके से दही को हमने यहाँ पर चला कर तैयार कर लिया है। ये देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर दही की जो कंसिस्टेंसी है वो हल्की नहीं है, मतलब दही जो है वो हल्का नहीं है, गाढ़ा दही हमें यहाँ पर चाहिए। घर का बना हुआ दही है जिसका मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। सभी वड़े जो हमने पानी में भिगा कर रखे थे उन सबको हम पानी से निकाल कर यहाँ पर डायरेक्ट दही में डाल देंगे। वड़ों को तलने के बाद हमने सीधा उनको गर्म पानी में इसलिए डाला ताकि जो वड़े हैं वो हार्ड ना हो और नर्म बने रहें। तो जब भी आप दही वड़े बनाएं कुट्टू के आटे से, तो उनको कढ़ाई से निकाल कर सीधा गर्म पानी में डालना है, ताकि वो नर्म रहे
और 2 मिनट के बाद पानी से निकाल कर इस तरीके से दही में आपको डाल देना है डायरेक्ट। कूटू के आटे से बहुत ही अच्छे दही बड़े हमने यहाँ पर तैयार किए हैं। आप चाहे तो नवरात्रि में हर रोज़ भी इसको बना सकते हैं। आपने कूटू के आटे से दही बड़े की रेसिपी पहले कभी नहीं देखी होगी, ये रेसिपी पहली बार आई है, तो प्लीज़ इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बार नवरात्रि में। जो दही बड़े हमने यहाँ पर बनाकर तैयार किए हैं उनको इस तरीके से हम यहाँ पर प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको थोड़ा सा गार्निश करने के लिए हमने यहाँ पर हरी चटनी का इस्तेमाल किया है, ऑप्शनल है, अगर आप चटनी नहीं लेना चाहते हैं तो मत लीजिए। ये घर का बना हुआ नवरात्रि स्पेशल चटनी है, इसकी रेसिपी आपको बहुत जल्दी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसको थोड़ा सा गार्निश करने के लिए इस तरीके से अनार के दानों को हम यहाँ पर ऊपर से डाल देते हैं, ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो मत डालिए। यहाँ पर हमारे नवरात्रि स्पेशल कूटू के दही बड़े बनकर तैयार हैं, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, एक बार आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी कूटू के आटे से बने दही बड़े की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो आपको उस पर नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर हैं, रिलेटिव हैं, वो भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।